तो खबरों की शुरुआत करते हैं और देखिए सियासत और राजनीति ऐसी चीज होती है, कब क्या हो जाए, कब कौन कब करवट ले ले, ये कुछ नहीं कहा जा सकता है। और बिहार की सियासत में आए दिन आप देखते हैं किस तरह से लगातार राजनीति होती है, लेकिन क्या अब मुकेश सहनी को आरजेडी का सहारा मिलेगा? क्योंकि देखिए भोला यादव ने सीधे तौर पर इशारा कर दिया, और आपको ये भी बता दें कि मुकेश सहनी फिलहाल दिल्ली में मौजूद है, तो क्या यहां से एक नई सियासत लिखी जाएगी? क्योंकि आप देख सकते हैं आरजेडी जिस तरह से उपचुनाव में जीत हुई है और लगातार आरजेडी ए टू जेड की पार्टी। लेकिन खास बात आपको बता दें, यह भी कहा है कि इस बार अगर मुकेश सहनी आते हैं तो बिना किसी शर्त के। जी हां, सबसे बड़ी बात यही है कि राजनीति में शर्त के आधार पर ही यहां गठबंधन होता है, लेकिन मुकेश सहनी की जो मौजूदा स्थिति है तो बहुत ज्यादा वो शर्त और अपनी बातें रखने की स्थिति में नहीं है। क्योंकि अगर आप समझे, मुकेश सहनी की फिलहाल ऐसी स्थिति है कि उन्हें अपनी राजनीतिक जमीन बचानी होगी। और आपको बता दें कि अब देखने वाली बात यह है कि क्या वाकई अब मुकेश सहनी को आरजेडी का सहारा मिलेगा। हालांकि आपको ये बता दें कि कुछ दिन पहले आपको याद होगा कि राबड़ी देवी ने सीधे तौर पर मना कर दिया था, लेकिन अब जब बयान आया है तो देखने वाली बात है कि क्या इस पर आगे सियासत होगी या आरजेडी के लिए जिस तरह से खुला है यहां पर मुकेश सहनी के लिए दरवाजा, तो मुकेश सहनी क्या अब वापसी कर सकते हैं? हालांकि देखिए आपको ये भी याद होगा वो तस्वीर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस से किस तरह से मुकेश सहनी निकले थे विधानसभा चुनाव के वक्त, आपको याद होगा। और अब फिर से हो सकता है कि आरजेडी ही उनके लिए मौजूदा स्थिति में सहारा बने। ये सब चीजें विचारणीय बिंदु है और इस पर हमारे नेता निर्णय लेंगे। और निश्चित तौर से जिस तरह का परिप्रेक्ष्य चल रहा है उस परिप्रेक्ष्य में यदि मुकेश सहनी जी बिना कंडीशन बात रखते हैं तो उस पर हमारे नेता विचार जरूर करेंगे। राजद के लोगों ने आज तक अपने दल के अंदर के नेताओं का, गठबंधन के घटक दलों का, गठबंधन के नेताओं का कब सम्मान किया है कि अब सम्मान करने की बात कर रहे हैं? कौन सा दल राजद के साथ आज तक स्वाभाविक तरीके से रह सका है? कांग्रेस के साथ क्या हल किया वह भी हम लोगों ने देखा है। कई दृष्टांत इस तरह के उपलब्ध हैं। तो अब ये लोग भले ही इस तरह की ढकोसलेबाजी वाली बात करें, लेकिन हमें नहीं लगता है कि बिहार के अंदर कोई घटक दल या कोई नेता उनकी बातों पर विश्वास कर सके। विकासशील इंसान पार्टी के विलय का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर हम विलय करना चाहते तो आज भारतीय जनता पार्टी के साथ हमारे रिश्ते अच्छे होते। स्वागत है अगर कोई कहता है कि आप आ सकते हैं, लेकिन विकासशील इंसान पार्टी एक इंडिपेंडेंट पार्टी है और एक मजबूत पार्टी है। बुछा चुनाव के बाद हमारी मजबूती साबित हुई है और हम जब भी कोई गठबंधन करेंगे तो अगर किसी गठबंधन से कोई ऑफर आएगा तो हमारी कोर कमेटी श्री मुकेश सहनी जी के नेतृत्व में बैठेगी और निर्णय करेगी कि हमें किसी गठबंधन के साथ जाना है या अकेले ही अपने लड़ाई को आगे जारी रखना है। भोला यादव जी के बातों पे लोग यकीन कैसे करेगा तब जबकि उस पार्टी में अब आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी की ही बात के महत्व नहीं दिया जा रहा है। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी तो बोले थे कि आने वाले विधान परिषद के चुनाव में हम कांग्रेस पार्टी के साथ लड़े थे, लेकिन आरजेडी का ये निर्णय नहीं हुआ। पिछली बार जब कांग्रेस का गठबंधन था तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में मनोज झा जी ने बोला था कि पहला राज्यसभा को जो सीट आएगा वो कांग्रेस कोटे में जाएगा। अब तक तो ऐसा नहीं हुआ, तो जब उनके बड़े नेता के बात का उसमें महत्व नहीं है तो मुझे नहीं लगता कि भोला यादव जी के बात का कोई औचित्य है। कहावत है, लोभी के राज में ठग भूख से नहीं मरता है। तो राजद जैसे पारिवारिक लोभी दल और मुकेश सहनी जैसे इवेंट मैनेजमेंट वाला लोगों को ठगने का काम करने वाले व्यक्ति कैसे भूखे मरेंगे? तो खंजर मारते समय उनको नहीं पता था कि क्यों खंजर मारे। धोखा देकर के सियासत करने वाले दो पारंपरिक दलों का मिलन हो सकता है।
तो देखिए, आपने देखा अलग अलग पार्टी की तरफ से राजनीतिक यहाँ पर रिएक्शन भी आए, क्योंकि क्या होता है जब भी इस तरह से ऑफर पॉलिटिक्स की बात की जाए, ऑफर मिलता है तो उस पर अलग अलग सियासत होती है, अलग अलग मायने होते हैं। तमाम जानकारी के साथ संवाददाता नेहा हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी है दिल्ली से। नेहा, मुकेश सैनी दिल्ली में मौजूद है, एक तरफ ऑफर मिल चुका है, क्या समझे इसके मायने, क्या आज कुछ होने वाला है? बिल्कुल, देखिए ये सियासी मायने इसके आप निकाली जा सकती है, क्योंकि मुकेश सैनी दिल्ली में है, लालू यादव एम्स में है। संभावना ये नज़र आ रही थी कि संभवतः वो दिल्ली में लालू यादव से मुलाकात करेंगे, लेकिन अभी तक जानकारी के मुताबिक वो लालू यादव से मुलाकात नहीं किए हैं। दूसरी तरफ राजद के सुर नर्म यहाँ पर देखे जा सकते हैं अंजलि, क्योंकि एक तरफ जहाँ पहली राबड़ी देवी ने सख्त मना कर दिया था कि किसी भी तरीके से मुकेश सैनी की एंट्री नहीं होगी आरजेडी में, तो वहीं पे आज भोला यादव जिस तरीके से बोले कि अगर बिना किसी शर्त के अगर वो वापस आना चाहते हैं तो इस पे हम विचार करेंगे, तो कहीं ना कहीं आरजेडी अब सॉफ्ट हो चुकी है मुकेश सैनी को लेके, उनके तेवर बदल चुके हैं मुकेश सैनी को लेके। तो अंदर खाने में ये तो ज़रूर है कि बातचीत ज़रूर हुई है, हर संभव ये प्रयास तेजस्वी ज़रूर करेंगे कि जो लोग भी बीजेपी के खिलाफ अभी होंगे उनको वो अपने साथ ले आए। और लालू यादव शुरू से एक ही बात कहते आए कि हमें बीजेपी को रोकना होगा, बीजेपी के खिलाफ में जो लोग भी होंगे उनको एक साथ करना होगा। तो अब मुकेश सैनी के भी सुर बीजेपी के खिलाफ जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो लालू यादव के ज़रूर करीब होने की कोशिश वो ज़रूर करेंगे यहाँ पे। लेकिन अभी तक जानकारी नहीं मिली कि लालू यादव से उनकी मुलाकात हुई है कि नहीं, लेकिन राजद की तरफ से ये बड़ा बयान और बड़ा ऑफर मुकेश सैनी के लिए कि अगर वो कोई शर्त नहीं रखते हैं तो संभावना उनकी बनती है कि वो राजद के साथ मिले। बहुत बड़ी बात नेहा कि कोई शर्त नहीं रखते हैं तो आरजेडी में वो वापस आ सकते हैं। दूसरी बात, लगातार आप हमें अपडेट भी दे दीजिएगा कि कब मुलाकात होगी, क्योंकि हो सकता है आज लालू यादव से मुलाकात भी हो। सबसे बड़ी बात, आरजेडी देखिए पूरी कवायद में ए टू जेड की पार्टी, और देखिए बोचहा उपचुनाव में जो जीत हुई है उससे मनोबल और बढ़ गया, तो किस तरह से आपको लगता है कि आने वाले वक्त के लिए आरजेडी और ज़्यादा अपने गठबंधन को मजबूत करेगी? बिल्कुल, देखिए इस संदर्भ में भी हमारी बात भोला यादव से हुई थी, और भोला यादव वो नेता है जो लालू यादव के बहुत करीबी माने जाते हैं। भोला यादव लालू यादव के स्ट्रैटेजी को समझते हैं, और तेजस्वी यादव के भी इन दिनों वो करीब है, जितने भी वरिष्ठ नेता है, तो कहीं ना कहीं स्ट्रैटेजी उनको ज़रूर पता होगी। उन्होंने ये बात तो साफ कर दी है कि ए टू जेड की पार्टी अब पूरे तरीके से राजद बनने को तैयार है, सिर्फ एम वाई की पार्टी नहीं है। इसी को लेकर उन्होंने एक स्टेटमेंट भी दिया है कि ये मीडिया का एक इमेज बनाया गया था कि एम वाई कॉम्बिनेशन में आरजेडी सिर्फ काम करती, बल्कि आरजेडी हर दल हर जात को अपने साथ जोड़ने का प्रयास करती है। और उसी संदर्भ में चाहे मुकेश सैनी हो, चाहे तमाम जितने भी जातीय जो नेता हैं बिहार में, उन सब से लगातार तेजस्वी यादव मिल रहे, विशेष तौर पर सवर्णों को भी वो अपनी ओर खींच रहे, अति पिछड़ा जिसके लिए लालू यादव लगातार सवाल उठाते आए थे उसको भी वो पूरे तरीके से अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये तो ज़रूर साबित होते हुए नज़र आ रहा है कि आरजेडी अब सिर्फ एमवाई या फिर एक विशेष समुदाय के लिए नहीं जाने जाने का प्रयास करेगी, अब वो सभी समुदायों के दल बनने का प्रयास करेगी। अंजलि, बिल्कुल नेहा, क्योंकि अब ये कहीं ना कहीं छवि बदलने की कि एम वाई जो गठबंधन की बात कही जाती है, एम वाई समीकरण को लेकर आरजेडी की पार्टी कही जाती थी, लेकिन आपने देखा इस उपचुनाव में भी समीकरण बदल गया, और एमएलसी चुनाव में तो आपने देखा ही कि किस तरह से टिकट का यहां बंटवारा भी किया। तो क्या तेजस्वी यादव पूरी तरीके से एक छवि बदलने के साथ साथ आप देख रहे हैं कि पार्टी को हर तबके तक पहुंचने की पूरी कवायद कर रहे हैं? मुकेश सैनी की बात कर ले, देखिए उनका भी अपना वोट बैंक है, तो पूरी कवायद होगी, और ये सबसे बड़ी बात है कि देखिए बिना शर्त के आएंगे और पार्टी को और मजबूत करना है आने वाले वक्त के लिए। बिल्कुल अंजलि, देखिए मुकेश सैनी पहले भी ये कह चुके हैं कि उनके साथ कम से कम मल्ला जो है वो जरूर साथ नजर आएंगे। 18% वोट बैंक होने का दावा मुकेश सैनी अपने साथ करते हैं, तो अगर कोई दावा कर रहा है तो जरूर वो कुछ ना कुछ साख लेके चल रहा है। और तेजस्वी यादव अभी भरपूर प्रयास में जरूर है कि चाहे 2% वोट बैंक वाला भी पार्टी क्यों ना हो, वो राजद के साथ जरूर मिल जाए, वो एक भी मौका नहीं छोड़ना चाहते 2024 और 2025 को लेके। और मैं आपको जानकारी दे दूं अंजलि, राजद बहुत सक्रिय हो चुकी है 2024 लोकसभा चुनाव को लेके। आज जिस तरीके से बातचीत हुई है, जो अंदाज देखने को मिल रहा है भोला यादव में, तमाम आरजेडी के अब नेताओं का जो अंदाज देखने को मिल रहा है उससे साफ जाहिर हो चुका है कि अब 2025 में एक चूक भी करने को तैयार नहीं है राजद, और हर हालत में तेजस्वी यादव अपने कमर कस चुके हैं। उसके लिए चाहे मुकेश सैनी को साथ लाना पड़े या अन्य किसी भी दल को अपने साथ जोड़ना पड़े, वो इसके लिए पूरे तरीके से तैयार होंगे।
बिल्कुल नेहा, जैसा कि एक महत्वपूर्ण बात यहां पर निकलकर सामने आई कि देखिए आरजेडी लगातार कवायद कर रही है, और दूसरी बात आप देख रहे हैं कि अगर तेजस्वी यादव की राजनीति को आप देखें, विधानसभा चुनाव में उन्होंने रोजगार की बात की, नौकरी की बात की, और एक तरफ से आप देख रहे हैं कि बीजेपी को यहां पर कमजोर करना है, लालू यादव ये बार बार कहते हैं, और भोला यादव ने अगर बयान दिया है तो बखूबी समझा सकता है इस बयान के मायने हैं। तो क्या लगता है नेहा, अगर आज दिल्ली में मौजूद भी है मुकेश सहनी, हो सकता है मुलाकात हो जैसा कि आप बता रही हैं, तो एक स्ट्रेटजी के तहत यहां पर आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए रणनीति बनाई जाएगी? बिल्कुल अंजलि, देखिए ये एक स्टेटमेंट तो दे दिया गया है, और भोला यादव कह रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसमें सहमति तेजस्वी यादव और लालू यादव की भी होगी, ये तय बात है, क्योंकि भोला यादव नपा तुला बात बोलने वाले नेताओं में से एक है, वो उतनी ही बात कहते हैं जितना उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ से कहा जाता है, ये जग जाहिर है कि उतनी ही बात बोलेंगे। तो ये तय बात मान ली जाए कि अब राजद का भी इसमें कहीं ना कहीं राजद की भी सहमति है कि मुकेश सहनी अगर बिना किसी शर्त सामने आया। नेहा, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया, आगे भी इस खबर अपडेट लेते रहेंगे।